हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। ऐसे ही अच्छे रहना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना। अभी मैं जस्ट सो उठ कर उठी हूँ और अभी बज रहे हैं, अभी तो वैसे 9 बज गए हैं, लेकिन जब मैं उठी ना, मेरे को 7:30 को मैं उठती हूँ, तो 7:30 या 8 बजे टाइप उनका कॉल आया और मैं बेड पर लेटी ही थी, उठी भी नहीं थी, तब मुझे कॉल आता है कि एक केक चाहिए करके। तो फिर मैं केक स्पॉन्ज तैयार कर ली। सो उठकर सबसे पहले मैं यही किया, आज रोटी वोटी कुछ नहीं बनाई हूँ नाश्ता में, मैंने बस पोहा बना दी नाश्ता में और ये स्पॉन्ज तैयार कर ली। मेरे हस्बैंड किए हैं वैसे। और ये देखो, इन सब चीज़ों से ये एसेंस है और ये रेड कलर का मुझे बोला गया है, तो मैं रेड कलर का यूज़ करूँगी। और मेरा अस्त्र सब यहाँ पर रेडी है, अभी मैं काम स्टार्ट करने वाली हूँ। और ये देखिए, मेरा ना गुडरिच का ये है पाइनएप्पल क्रश, तो इसे मैं यूज़ करूँगी। और ये न्यू है, ये देखिए पूरी तरह से इसमें सील लगा हुआ है, क्योंकि ना मेरा पाइनएप्पल क्रश कल ही ख़त्म हुआ, तो मैं ये वाला नया वाला निकाल ली। ये देखिए, तो मैं ये वाला गुडरिच का यूज़ करती हूँ। सभी वाला मैं ना केक बनाती हूँ ना, तो मैं लोकल चीज़ों का यूज़ नहीं करती, सभी चीज़ को ना मैं कंपनी वाला यूज़ करती हूँ। आप सब देखोगे तो पता चलेगा। इसको भी मैं गुडरिच का यूज़ करती हूँ, उसको भी गुडरिच का यूज़ करती हूँ, और सभी चीज़ मेरा ना अच्छे कंपनी का ही होता है। तो हमारे पास आप केक ऑर्डर करोगे ना, तो आपको अच्छे से अच्छे ही मिलेंगे। तो देखो, इसका सील पैक है, मैं इसे भी निकाल रही हूँ, जस्ट नया है। तो ये देखिए, मैं इस तरह से निकाल रही हूँ और हम यूज़ करेंगे ये देखिए पाइनएप्पल क्रस। पूरा फुल रहता है, यहाँ तक भरा रहता है, थोड़ा सा भी कम नहीं रहता है इसमें। तो चलिए जल्दी जल्दी हम आइसिंग स्टार्ट करेंगे। पहले तो इसकी लेयर कट कर लेते हैं, आइए आप सबको दिखाते हैं इसकी लेयर कट करते हुए। ठीक है, तो ये है ना, आज हम सीखेंगे कि स्पॉन्ज को कैसे तैयार करते हैं। वैसे तो मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, फिर भी मैं पता नहीं ना क्यों ना जाने वीडियो शूट कर रही हूँ। और ये बिल्कुल गर्म है, मैं गर्म गर्म में काम स्टार्ट कर रही हूँ, और गर्म गर्म में काम स्टार्ट करने से ये देखो ये हाल होती है, ऐसे ऊपर वाला भाग ना टूटता जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूँगी, क्योंकि ये सब करते करते ना मेरे को आइडियाज लग गए हैं कि कैसे केक बनाते मतलब काम करते हैं। केक बनाते वक्त जल्दी जल्दी में अगर हूँ तो कैसे काम करते हैं। तो इसको मैं ना 3 लेयर कट करूँगी। आप ना ये आरी जो है ना, केक कट करने की आरी, उसे ऐसे ऐसे प्रेस नहीं, तो इस आरी को ना बिल्कुल आराम से चलाना है इस तरह से। और गर्म में ना बहुत टूटने का डर रहता है, बहुत ज़्यादा। अगर आप बिगनर है, स्टार्टिंग है आपका, तो आप मैं आप सबको सजेशन करना चाहूँगी कि आप सब ना गरम गरम में काम स्टार्ट ना करें, क्योंकि बहुत दिक्कत जाती है गरम गरम में काम स्टार्ट करने से। ये देखो, मेरे से भी ये हो रहा है, लेकिन क्या करूँ, मेरे पास ना टाइम ही नहीं है। ये केक मुझे देना है 10:30 को और अभी बज रहे हैं 9। ये देखिए कितना धुआं निकल रहा है, देखो कितना गर्म है, ये देखिए। तो ऐसा है, मैं गरम गरम पे काम स्टार्ट कर दी हूँ। अब हमें सेकेंड लेयर कट करना है यहाँ से, हाथ ऐसे ऊपर, हल्के हाथों से ऊपर रखना है, ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, नहीं तो ये दब जाएगा। हमारा स्पॉन्ज बहुत सॉफ्ट हो रहता है। और उसके बाद हम जब बीच पे आते हैं तो इस साइड को ऐसे पकड़ लेना चाहिए। आप अच्छे से दिखा दो जी, ऐसे, हाँ, तो इस साइड को ऐसे पकड़ के ना ऐसे आराम से, देखो कितना गर्म है, धुआं निकल रहा है। फिर अब यहाँ पर आ जाते हैं ना, तो हाथ को ऐसे रखना होता है, हाथ नहीं कटेगा, डरना नहीं, देखो नहीं कटेगा हाथ। तो इस तरह से हमारा 3 लेयर निकल गया, ये देख लीजिए। अब हम इसमें ना आइसिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले चाहिए हमें इस प्लेट को साफ कर लेना है। ये देखो, जब हम कट करते हैं तो इस तरह से ऐसे कटिंग्स लोग रहते हैं, तो इसको सबसे पहले हम साफ करके, अब हम सबसे पहले ना प्लेट लाएंगे, प्लेट निकाल के लाओ। तो पहले हम प्लेट पे हल्का सा क्रीम लगाएंगे, उसके बाद ये हमारा स्केल है, इससे फैलाएंगे। उसके बाद हम ना जो बीच वाला लेयर है ना, वो पहले रखेंगे, याद रखना बीच वाला लेयर पहले रखेंगे, ठीक है। उसके बाद
फिर शुगर और सीरम से हम अपना सॉप करेंगे, ये देखिए कुछ इस तरह से ब्रश से, और उसके बाद हम आइसिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए हम आइसिंग करना स्टार्ट कर दिए हैं। इसके ऊपर हम पाइनएप्पल क्रश डालेंगे। तो मैं पाइनएप्पल क्रश डालने में, फ्लेवर डालने में ज़रा सा भी कंजूसी नहीं करती हूँ। ये देखिए इतना सारा डालती हूँ तभी हमारा केक का जो फ्लेवर है बहुत बढ़िया आता है। तो मैं इस तरह से फ्लेवर से यूज़ करती हूँ, फ्लेवर पर कोई कंजूसी नहीं करती हूँ। और जो सबसे ऊपर वाला लेयर रहता है ना, याद रखना सबसे ऊपर वाला जो लेयर रहता है उसे बीच में रखना होता है, जिस तरह से मैंने रखा है, तो आप सब भी ऐसे ही रखना। उसके बाद फिर से 2 चम्मच हम क्रश डालेंगे, पाइनएप्पल क्रश गुडरिच कंपनी का है। फिर उसके बाद सबसे नीचे वाला लेयर है ना उसको सबसे ऊपर रखेंगे ऐसा उल्टा करके। तो इस तरह से हम आइसिंग कंप्लीट करते हैं। और आज ना आज है 20 नवंबर, और 20 नवंबर को भी मेरी फ्रेंड की बर्थडे है। यहाँ फ़ोटो डालूँगी देखना। हम लोग स्कूल साथ जाते थे, मतलब एकदम बचपन की फ्रेंड है, हम लोग एक साथ खेले कूदे पढ़े लिखे हैं और अभी तक हम फ्रेंड्स हैं। और उनका आज बर्थडे है, तो देखो उनके बर्थडे के दिन मैं केक बना रही हूँ, लेकिन एक केक किसी और का है। से मुझे ऑर्डर आया था सुबह सुबह, जैसे कि आपको मैंने स्टार्ट में बताई है। तो इसी तरह से मैंने 15 मिनट में इसको बहुत जल्दी से आइसिंग कर ली। और हमें ना इसको चिकना करने की उतना ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ये न्यूट्रल ने ना सिर्फ 15 मिनट में अपनी आइसिंग कंप्लीट कर दी। हमारा छोटू सा केक है, 300 तक का उन्होंने बोला है, तो मैंने 300 तक बना दी। और घड़ी देख लीजिए, अभी बज रहे हैं 9:15 हुआ है, देख रहे हैं आप सब। तो मैंने सिर्फ 15 मिनट में आइसिंग कंप्लीट कर दी। अभी से मैं रखने वाली हूँ फ्रीज पे, और फ्रीज पे रखने के बाद हम इस पे ना वो जेली वाली बोली है तो हम जेली से इसे कवर कर देंगे रेड कलर से। तो बन गया, तो इसके लिए चलते हैं, इसे हम फ्रीज पे रख देते हैं। इससे फ्रीज पे सेट होने से तक हम इधर जेली से अपना तैयार कर लेते हैं। तो देखिए ये है न्यूट्रल जेल, तो हम इस कंपनी का यूज़ करते हैं। ये देखिए मेरे पास ना सभी चीज़ आपको अच्छी कंपनी की मिलेगी, गुडरिच का। तो हमारे पास से केक ऑर्डर कीजिए और अच्छे अच्छे क्वालिटीज वाले केक खाइए और इन्जॉय कीजिए। तो ये देखिए इस तरह से ना ये पॉलीथीन में आता है, 1 किलो का रहता है ये। और नल चल रहा है तो मेरा आवाज़ नहीं आ रहा होगा, 1 मिनट बंद कर दिया। 2 चम्मच के करीब, 2 चम्मच के करीबन ये देखिए मैं निकाल ली हूँ। अब इसे हम बहुत अच्छे तरह से फेंट लेंगे। और इसमें ना न्यूट्रल जेल बनाने की, ग्लेजिंग बनाने की आप सबको बता रही हूँ, थोड़ा सा इसमें पानी डलता है, उसके बाद इसे अच्छे से फेंटना रहता है। और इसके बाद हम इस पर कलर डालेंगे। आप चाहते हैं तो आप ये भी डाल सकते हैं फ्लेवर के लिए, थोड़ा सा ना पाइनएप्पल क्रश डाल सकते हैं आप, लेकिन मैं नहीं डाल रही हूँ। तो रेड कलर पे केक बनाना है मुझे, तो देखिए इस तरह से मैं रेड कलर यूज़ कर रही हूँ और इसे हम पूरे केक पे अभी कवर करने वाले हैं। तो मुझे बताया गया था कि रेड कलर पे ही न्यूट्रल जेल यूज़ करना है, तो मैंने रेड कलर का न्यूट्रल जेल बनाया और इस तरह से ऊपर को कवर कर दिया। उसके बाद साइड साइड को कवर कर देती हूँ। और यकीन मानिए आप ये ऐसी केक खाएंगे ना, जेली वाला केक इतना टेस्टी लगता है, इतना टेस्टी लगता है मैं क्या बताऊँ। मेरा तो ये वाला केक फेवरेट है। अगर आप भी ऑर्डर करना चाहते हैं तो ऐसी केक मेरे से ऑर्डर करना, सच में बहुत अच्छा फ्लेवर्स और इसकी टेस्ट की बात करें तो बहुत अच्छी आती है। तो इस तरह से मैंने बॉर्डर्स दे रही हूँ छोटे छोटे। उसके बाद कुछ ना रोज़ बिठाती हूँ, मेरे को जो मेरे दिमाग में फ़िलहाल अभी आया वही डिज़ाइन मैंने बना दी और बहुत प्यारा लग रहा था। रेड और येलो कलर की कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगा मुझे। और इस तरह से मेरा रोज़ थोड़ा सा ना तिरछा हो गया था, तो उसे मैंने इस तरह से सीधा भी कर लिए। फिर से मैं रोज़ बना रही हूँ। रोज़ पेटल बनाने के तरीके भी सीख लीजिए इस तरह से, कभी मैं आप
सबको डिटेल में वीडियोस बनाऊंगी। अभी तो मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो मैं फास्ट मोड पे ऑन कर दी हूँ। और ये देखिए इतनी जल्दी जल्दी हमने बहुत जल्दी जल्दी क्रीम से इतने सारे रोज़ बना लिए। ये हमारा लास्ट रोज़ है और हमारा केक होता है कम्प्लीट। और इसमें लास्ट में ना देखिए मैं पेटल्स बना रही हूँ ग्रीन कलर का, और बहुत खूबसूरत लगता है। और रोज़ ना ऐसे पत्तियों के बिना एकदम अधूरा अधूरा सा लगता है, जब पत्तियाँ आती है इसमें तो एकदम कंप्लीट हो जाती है। तो इस तरह से मैं पत्तियाँ बना रही हूँ। और आप सबको हमारी केक की डेकोरेशन कैसे लगी जरूर बताना। उसके बाद मैं सिल्वर कलर यूज़ करना कभी नहीं भूलती हूँ। तो देखिए गाइस, मैंने ना दो केक बनाया कर रखी हुई है। आप ना ये दोनों एक साथ देखो साइज में कितनी ज़्यादा फर्क नज़र आएगी आप सबको। पहले तो ये देख लो, ये ना 600 ग्राम का बना हुआ है और ये 350 का है, लेकिन मैंने ना इसे 300 में ही सेल करती हूँ, क्योंकि मैं होम बेकर हूँ तो मेरे से ना बड़ा साइज बन जाता है। और ये देखो ये छोटा साइज है, ये भी 300 का ही है और वो 350 का है। तो देखिए साइज में कितनी ज़्यादा फर्क आती है, 300 और ये 350। ये साइज ना आपको केक शॉप पे मिलती है, सेम यही साइज का केक शॉप पे मिलती है। और अगर आप मुझसे ऑर्डर करवाते हो तो मेरे पास ना ये वाले साइज का मिलती है। तो ये अभी ऑर्डर मैं कंप्लीट की हूँ, इसका ऑर्डर अभी आया था सुबह सुबह। और ये ना मैं कल परसों का बना कर रखी हूँ, जो मेरे हस्बैंड ही इस केक को बनाए थे, आइसिंग किए थे, लास्ट डेकोरेशन मैं की थी। तो आप सब देखो फर्क और कौन सा अच्छा लग रहा है डेकोरेशन बताना। उन्होंने ये वाला केक का इमेज देखा हमारे व्हाट्सअप पे, तो उन्होंने यही कलर का बोला, तो मैं यही कलर का बना दी। वैसे ना मैं आप सबको बोलना चाहती हूँ, प्लीज़ आप लोग को ना फ्रेश केक का भी टेस्ट करना चाहिए। अगर आप यहाँ मैनपुर से हो तो मेरे से केक ऑर्डर्स लीजिए, और बेकरी से ना बड़ा साइज का ही केक मिलता है मेरे पास। और ना सस्ते पे ना जाइए, क्योंकि सस्ते का माल रस्ते का होता है। टेस्ट का बात करते हैं तो ना टेस्ट थोड़ा सा ना, क्योंकि वो केक एक हफ्ता दो हफ्ता हो जाता है, और केक ना दो हफ्ता तक रहता है, उसके बाद वेस्ट हो जाता है। और मैं फ्रेश तुरंत बनाती हूँ और अच्छे अच्छे कंपनी का यूज़ करती हूँ। मेरे सारे चीज़ ना ये गुडरिच कंपनी का रहती है, आप सब देख लीजिए, बहुत अच्छा कंपनी का रहता है सारा चीज़। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से मैं देती हूँ बनाकर। तो मैं यही बोलना चाहूँगी, तो अगर आप यहाँ से हैं तो प्लीज़ मुझे ऑर्डर करिए ना, और अच्छे ऐसे केक खाइए एकदम फ्रेश वाला। तो ये वाला वीडियो यहीं तक था गाइस, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और बाय बाय। अब बारी है हमारे केक पे हैप्पी बर्थडे लिखने का। तो ये वाला काम मेरा नहीं रहता है, मेरे हस्बैंड जी का रहता है। इस तरह से लिख रहे हैं मेरे हस्बैंड जी, ये देख लीजिए। और इनको भी आजकल बड़ा मज़ा आता है केक पे इस तरह से हैप्पी बर्थडे लिखने में। और मैं ना ब्लैक कलर का न्यूट्रल जेल यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर हैप्पी बर्थडे के लिए, क्योंकि ना रेड पर ब्लैक ज़्यादा अच्छा उभरेगा करके ना। वैसे वाइट भी उभरता, लेकिन मैं वाइट नहीं बनाई थी, मैं पहले से केक पे ब्लैक कलर यूज़ की थी तो उसका बचा था, तो उसी से हमने ये लिख दिया। और मेरे हस्बैंड ना बहुत अच्छे से लिखना सीख गए हैं, ये देखिए, और बहुत अच्छे से अब लिख लेते हैं, उनको बहुत मज़ा आता है ना जी। कैसा लगता है बताओ? मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है एकदम, और हैंडराइटिंग भी बहुत अच्छी से जम गई है इस केक के ऊपर डेकोरेट करने में, तो मुझे डेकोरेशन करने में और भी बड़ा मज़ा आ जाता है। तो आगे भी मैं इसी तरह ही जितने भी केक आते हैं ना उनमें डेकोरेशन मैं ही ऊपर से करता हूँ। तो देखिए गाइस, हमारा ये वाला वीडियो यहीं तक था। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना। और हाँ, आज बारी है कमेंट पढ़ने की, तो देखते हैं लास्ट तक देखिएगा आज किसका कमेंट पढ़ा जाएगा। और कमेंट पढ़ने में इतना मज़ा आता है ना, मैं क्या बताऊँ, रिप्लाई करने में भी बड़ा मज़ा आता है। तो अभी आप वो देख कर ही जाइएगा, आप क्या पता। तो पाकिस्तान से सहबाज अली जी फिर से कमेंट किए हैं कि मैंने 2 सब्सक्राइबर ऐड किए हैं करके, तो उसके लिए थैंक यू। फिर उसके बाद वो लिखते हैं, वाओ मेरा कमेंट आया स्क्रीन पे, आपके सब्सक्राइबर में ऐड कराओगी और पक्का। तो फिर ये बोलते हैं, थैंक यू सिस्टर, आपकी वॉइस बहुत अच्छी है। वो स्वीट, थैंक यू जी, कि ये तो आपकी अच्छाई है कि आपको मेरी आवाज़ अच्छी लगी। अली जी लिखते हैं, यूअर हस्बैंड सो लकी, ओ हाउ स्वीट। तो मेरे हस्बैंड बहुत लकी हैं कि नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन हाँ मैं बहुत लकी हूँ कि मैं उनकी वाइफ हूँ।
फिर फैज़ान अली जी लिखते हैं, प्लीज़ गाइस इनको आगे लेकर आओ, टैलेंटेड व्यूमैन है, थैंक यू। ये वही है पाकिस्तान से जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किए हैं, ये लिखे भी हैं, आई सब्सक्राइब यूअर चैनल, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। फिर लिखते हैं, आई एम आल्सो फ्रॉम पाकिस्तान, गुड टैलेंटेड व्यूमैन। ये तो आपकी अच्छाई है कि आप लोगों ने मुझे इतना अच्छे अच्छे कमेंट किए, थैंक यू। ये है सोनू कनौजिया जी, तो इनकी सोच मुझे इतनी अच्छी लगी ना कि इन्होंने क्या बताओ, मेरा दिल ले लिया इन्होंने, बहुत अच्छी सोच है इनकी, थैंक यू सोनू कनौजिया जी की, आपके कमेंट ने ना मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत दी है आगे बढ़ने की।